ओहो, राहुल कुमार यादव मैन थे का भाव। और एक बंदा बच्चा, बड़ा भी नहीं भाई, बच्चा 120 के पीएच, 14 ईयर्स ओल्ड। अब लोग एज पे भी सवाल करेंगे तो भाई मैंने उसकी पूरी एज वेज देख ली, वो 14 ईयर्स का ही है। ज्यादा से ज्यादा आप बोलो 15, 14-15 के दरमियान। 120 के पीएच की स्पीड के साथ एक नेपाल का प्लेयर आपको मिल गया है, जो कि फास्ट बॉलर आपका आगे बन सकता है, जो फ्यूचर में नेपाल को बड़ा सर्व कर सकता है। वो कैन बोर्ड का काम है, बट उससे पहले मैं बीच में बात करूंगा। राहुल कुमार यादव अभी रिसेंटली एक बड़ा इनिशिएटिव अच्छा निकाला है, वर्ल्ड लिंक ने, और उसके साथ मर्ज कर रहे हैं दोनों आपस में मिलके। वर्ल्ड लिंक और कैन बोर्ड ने एक अच्छा इनिशिएटिव निकाला है, जिसमें ये लोग फास्ट बॉलर फाइंड कर रहे हैं। इसका नाम इन्होंने रखा है, आई गेस बीट द स्पीड करके कुछ रखा, और दे आर फाइंडिंग फास्ट बॉलर जिसको वो ट्रेन कर सकें। और हर शहर से तकरीबन 18 शहर थे जिसमें इन्होंने तलाश किए लोग, और 18 में से 7 शहरों के लड़के शॉर्टलिस्टेड कर ली, जिसमें बहुत सारी सिटीज के हैं। उसमें से आप अगर देखो, एक सबसे फास्टेस्ट जो है 126 केपीएच से बॉलिंग कर रहा है, उसके बाद आप देखो वो, लेकिन वो बड़ा है। उसके बाद एक 19 साल का है जो 124 समथिंग पे कर रहा है, और सबसे जो कम उम्र का लड़का है जो कि 14 साल का है, वो बॉलिंग कर रहा है 120 केपीएच के ऊपर। और उसके बारे में मैं बात इसलिए कर रहा हूं, नेपाली मलिंगा मिल गया भाई। पहली बात, उसका एक्शन थोड़ा सा अनयूजुअल है, जो कि बड़ा हेल्प कर सकता है, क्योंकि ऐसा एक्शन वाला बॉलर हमारे पास है नहीं। अविनाश करते हैं, बट अविनाश का और उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। दूसरा पेस, 14 साल की उम्र में जो लड़का 120 कर रहा है, वो 20 साल की उम्र में क्या करेगा, वो 22 साल की उम्र में क्या करेगा। अभी विदाउट एनी डाइट आप उस लड़के की हालत अगर देखो, आप बोलोगे भाई क्या बॉलिंग कर रहा है, मतलब क्या पेस के साथ बॉलिंग कर रहा है। अभी कोई डाइट नहीं है भाई, बहुत ही, अगर आप देखो स्लिम स्मार्ट लड़का है, ना कोई मसल है ना कुछ है। देखो मैंने पहले ही बोला, देखो पेस का मसल से इससे उससे कोई ताल्लुक नहीं होता। पहली तो एक्शन में बात होती है, और दूसरी आपकी जान होनी चाहिए। तो मसल वसल से इतना कुछ है नहीं, बट इवन दो के अभी ना डाइट है, विदाउट एनी डाइट, विदाउट एनी थिंग, 14 ईयर्स ओल्ड किड जो है वो 120 केपीएच पे बॉलिंग कर रहा है। तो सोचो आगे आने वाले टाइम में कोई 3 साल के अंदर इसके ऊपर काम किया जाए, 4 साल के अंदर काम किया जाए, या इवन 1-2 साल में काम किया जाए, और इसको अंडर 19 टीम में डाला जाए, तो आप देखो ये आपको बड़ा सर्व कर सकता है। बड़ी बात है। अभी लोग आके बोलेंगे बहुत सारे, उनको भी जवाब दे ही दूंगा इसी वीडियो में, क्यों भाई क्या हो गया 120 पे इतनी हाइप बना रहे हो, दुनिया 100-150 करा रही है, 140 करा रही है, हमारे पास 120। ओ भाई 120 तो है, एज तो देखो, 14 साल की उम्र में तुम मुझे बताओ तुम क्या कर रहे थे, तुम्हारे अंदर तप्पड़ था 120 के पीएच, पता है 120 कितना होता है। बड़े से बड़ा जो है ना हार्ड बॉल 120 खेल के बता दे, मैं बताऊंगा। 22-25 साल के लड़के को हार्ड बॉल से 120 खिलवा दो ना, उसके लिए वो 150 है। और वो छोड़ो, 14 साल का लड़का है ना, अंडर 14 अंडर 15 के अंदर इसको खिलाओ, जो इसकी उम्र के बच्चे होंगे ना उनके लिए 120 जो है 150 के बराबर है। उनको दिखनी भी नहीं है बॉल, और इसका एक्शन भी बड़ा अनयूजुअल है। बहुत अच्छे एक इनिशिएटिव है, 7 लड़के सेलेक्ट किए गए, उसमें से जो टॉप करेगा या जो जीतेगा उसको ये ट्रेन करेंगे चेन्नई के अंदर, तो बहुत अच्छा हमारे लिए वैसे भी फायदा है। बट अगर ये सेलेक्ट नहीं भी होता या इसका नाम नहीं आता है, टॉप नहीं करता, तो मैं चाहता हूँ कैन बोर्ड को इन्वेस्ट करे इसके अंदर। राहुल कुमार यादव इसका नाम है, 14 साल का बच्चा है, इन्वेस्ट करोगे आगे अंडर 19 में आपको सर्व कर सकता है, और अंडर 16 के अंदर आपको सर्व कर सकता है, फिर आगे जाके नेशनल टीम में सर्व आपको कर सकता है, और नेपाल का नया सुपरस्टार और स्पीडस्टर इन अ सेंस बोलना चाहूंगा, क्योंकि हमारे पास पेस बॉलर नहीं है, उसकी हमें हमारी कमी है। अगर हम इस पे काम करें, इसकी डाइट पे काम करें, इसकी हेल्थ पे काम करें, अभी आप देखो ये लड़का, अगर आप देखो स्लिम स्मार्ट है, कुछ भी नहीं है, फिर भी इतना पेस के साथ बॉलिंग कर रहा है। बहुत दुबला पतला लड़का है, आप देखोगे तो सही, बच्चा है भाई, 120 कर रहा है। अगर आप 5 साल के अंदर इसको ग्रूम करते हो तो ये 140 प्लस जाएगा, आराम से 140 प्लस जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना होगा। और ऐसे ही यंग टैलेंट्स, टैलेंटेड प्लेयर्स के ऊपर आपको काम करना पड़ता है, आराम से ये 140-145 क्लिक करेगा। अगर आप इस पे और वर्किंग होती है, ये आपको आगे जाके सर्व कर सकता है बहुत ज्यादा आराम से। बहुत अच्छा एक मुझे लगा कि भाई एटलीस्ट इस तरीके की फाइंड हो रही हैं और इस तरीके पे काम कर रहे हैं। आप किसी से इमर्ज करके, क्या कहते हैं उसको, कोलैब करके आप कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, बट कर रहे हो, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में हमारे पेस बॉलर की भी बड़ी रिक्वायरमेंट है। दूसरा, हमें बैटिंग में भी अब टैलेंट चाहिए, अब हमें बैटर्स भी देखने, उनके भी ट्रायल्स करने। बट एटलीस्ट आपको स्पीडस्टर फाइंड करने के लिए क्या होता है, आप स्पीड गन लेके जाते हो, आपको, आप उसकी डिलीवरीज देखते हो 2-3, उसमें आपको अंदाजा हो जाता है हाँ भाई ये किस पेस से बॉलिंग कर। बैट्समैन की टेक्निक्स देखने के लिए आप एक ट्रायल से जज नहीं कर सकते हो,
स्पीड तो आप जज कर सकते हो, बट उसके लिए भी आपको कैंप्स लगाने पड़ेंगे अंडर 19, अंडर 19 के कैंप्स हो, उसके बाद उनकी भी ट्रेनिंग हो और 19 टीम को ज्यादा से ज्यादा आप अवे टूर करवाओ, ताकि जब वो ग्रूम हो और जब नेशनल टीम में आए तो उनके पास प्रेशर हैंडलिंग का भी एक्सपीरियंस हो, उसके बाद फिर वो अवे पिचेस पे खेलने का उनका एक्सपीरियंस हो, बहुत ज्यादा उनका एक्सपीरियंस हो। तो ये ग्रास रूट लेवल पे हमें वर्किंग कर रही है। जितने भी लोग जो है जो पैसे वैसे की बात करते हैं, देखो अरना अनाउंस कर रहा है, कोई और कर रहा है, सब कर रहा, अच्छी बात है, प्लेयर्स पे भी करो, बट आप जो दूसरी रिक्वायरमेंट्स करते हो वो पैसा अब आप ग्रास रूट पे भी लगाना शुरू करो। जितना पैसा आता है, अभी हमने पता चला है हमें कि हमने जो वर्ल्ड कप खेला है, हमने एक भी मैच नहीं जीता, एक भी मैच ना जीतने के भी हमें कोई करोड़ों रुपए मिले, तो वो पैसा आपने प्लेयर्स पे अपने ऊपर भी लगाया, बट वो ग्रास रूट लेवल पे भी, इन टैलेंट्स के ऊपर भी, ताकि वो यंग एज से ही एक कंपेटिटिव क्रिकेट खेलते हुए आए और यंग एज से ही घर पे ना खेलें, ज्यादातर बाहर अवे टूर्स का बॉन्ड है। 19 के नेपाल ए टीम के, आपको नेपाल ए टीम के अवे टूर्स बहुत मैक्सिमम करवाने पड़ेंगे, पैसा लगेगा बट आपके लिए आगे फायदा है। अफगानिस्तान ने नहीं देखा कैसे ग्रो किए। उसके बाद दूसरी चीज जो मैं इसकी बेस बॉलिंग की बात कर रहा था कि भाई अच्छा एक हमारा साइन है कि भाई इससे क्या होगा, जब ये चीज होंगी तो हमारे मुल्क में एक पेस बॉलर जो है ना वो पैदा होगा। इसमें मैंने 3-4 लोगों के इंटरव्यू सुने, एक बंदा कह रहा है मैं भाई शोएब अख्तर का फैन हूं, मैं वैसी बॉलिंग करना चाहता हूं। तो भाई पेस बॉलर की जो कमी है ना यहाँ पे, और जो पेस के साथ बॉलिंग करने की, तो जब आप हाई पेस ही बनाओगे तो हर बंदा चाहेगा यार मुझे बॉलर बनना है, मुझे यार एक बॉलर बनना है, पेस बॉलर बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है। तो 14 साल की उम्र में अगर ये इतनी तेज बॉलिंग कर सकता है तो आपको अगर आप इन्वेस्ट करो तो बहुत अच्छी एक आपकी वो हो सकती है फाइंड, और स्पीडस्टर तो हमें वैसे भी चाहिए, एक बॉलर बहुत अच्छी एक फाइंड हो सकती है। दूसरी जो हम बीच में बात भी कर रहे थे, बहुत सारे लोगों को मैंने जवाब भी दिया इसमें कि देखो लोग उल्टी उल्टी बात तो करते हैं यार, इतनी तेज स्पीड तो नहीं है और ये तो नहीं बोल, आप एज मैटर करती है। अब लोग बोलेंगे एज भी ज्यादा है, अबे भाई मैं क्या बोलूं, उसकी आप शक्ल देखो, वो क्या 20 साल का लग रहा है तुम्हें, कौन लग रहा है, शक्ल देख के तुम बोल दो हाँ भाई 13-14 का ये बच्चा, तो कौन झूठ बोल रहा है। कभी एज पे तो क्रिटिसिज्म होना चाहिए बट अननेसेसरी नहीं होना चाहिए कि आप कभी आप बोल रहे हो बड़ा है 14 का नहीं है, फिर 120 कोई इतनी तेज बॉलिंग नहीं है, यार तुम खेल के बता दो ना मुझे, हार्ड बॉल से मैं तुम्हें बोलता हूँ जो क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, तुम मुझे 120 खेल के बता दो, मैं तुम्हें मान जाऊँ। आसान है कि हार्ड बॉल, अबे टेप बॉल क्रिकेट थोड़ी है, पता चल जाएगा, तुम्हें हार्ड बॉल कभी खेली हो ना पता लग जाएगा, तुम स्पिनर नहीं खेल पाओगे, बात कर रहे हो। खैर अच्छा एक साइन है, ये काम कर रहे हैं, मैं बड़ा खुश हूँ भाई कि ये जो बीट द स्पीड और ये जो स्पीड स्टार फाइंड इन्होंने निकाली है, इसमें और भी लड़के सिलेक्ट हुए हैं, उन सबको भी बेस्ट ऑफ द विशेस, और जो भी जीतता है उस पर भी मैं बात करूँगा, जब वो जीत जाए तो फिर देखा जाएगा, बट ये चीज़ मुझे देख के अच्छी लगी कि एटलीस्ट यार कुछ नहीं हो रहा, एक ये जो पेस बॉलर पे जो काम हम काफी अरसे से कह रहे थे कि इस पे काम हो तो वो होना शुरू हो गया है। अब आप फाइंड कर रहे हो, ट्रायल्स करवा रहे हो, तो ये अच्छी एक इनिशिएटिव है, और उनको टीम क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर लेके आए हो। अब आगे आने वाले टाइम में आप उनको, आपने ज्ञानेंद्र माला से मिलाया और हमारे एक और प्लेयर है कमाल नाम है कमाल अली, उनके साथ आपने मिलाया, आगे जाके ये बोर्टल को, आसिफ को, उनको नेट्स में बॉलिंग करेंगे। तो इसमें से एक बॉलर है जिसने विराट कोहली को नेट्स में ऑलरेडी बॉलिंग की हुई है, एक कह रहा है मैं शोएब अख्तर का फैन हूँ, मैं वैसा बनना चाहता हूँ, तो है एक मतलब क्रिकेटर्स की जो एक अंदर से हमारी लौट निकल के आ रही है वो तो आ रही है। तो खैर है आज सेमीफाइनल भी है अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, उसमें आप किसको सपोर्ट कर रहे हो, लेट्स सी कौन सी टीम जीतती है, क्योंकि दोनों टीमें जीती ही नहीं है, मे द बेस्ट टीम विंस विन, और रात थोड़ा चंद्र सूर्य हो जाए फिर बंदे के ऊपर। खैर है यार हमने डीपली बात की, किसी का कोई सवाल ववाल हो वो भी मुझे कमेंट करके पूछ सकता है, कोई जेन्युइन इसी से रिलेटेड कोई सवाल हो या कोई ऐसा सवाल हो जो बड़ा जेन्युइन हो तो मैं उसका रिप्लाई भी दूंगा इसके नीचे, बट आप लोगों ने भाई सब्सक्राइब दबा नहीं रहे हो ना, लाइक दबा रहे हो, भाई लाइक सब्सक्राइब भी दबाना होता है, सब्सक्राइब का बटन भी नीचे ही है, लाइक का बटन भी है, उसको दबाइए, और क्योंकि आपके लिए तो भाई कुछ भी नहीं जाएगा, सिर्फ क्लिक करना है, फ्री का बटन है, दबा दो, टेंशन नहीं लो, दबाओ फटाफट। तो यही चीज़ थी एक स्टूडियो में आपके साथ, फिर मिलेंगे, लव यू गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब।